के बांदा जिले के बिसंडा थाना क्षेत्र में एक वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान मामूली विवाद के चलते एक युवक ने दो नाली बंदूक से फायर कर दिया, जिसमें कार्यक्रम स्थल में मौजूद 5 लोग घायल हो गए। वहां मौजूद लोगों ने आनन फानन में घायलों को बिसंडा स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया, जहाँ से उन्हें बांदा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहाँ 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने 3 आरोपियों के विरुद्ध IPC धारा 307 34 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही मुख्य आरोपी सोनपाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बांदा जिले के बिसंडा थाना क्षेत्र की है, जहां एक घर में शादी के बाद का दही नारा का कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम में नौटंकी कलाकारों द्वारा नौटंकी पेश की जा रही थी। कार्यक्रम में दर्जनों लोग मौजूद थे, तभी वहाँ मौजूद सोमपाल नामक व्यक्ति की किसी से झड़प हो गई। तभी सोमपाल ने अपनी 2 नाली लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया, जिससे गोली के छर्रे वहाँ मौजूद 5 लोगों को लग गए, जिसमें सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद कार्यक्रम स्थल में भगदड़ मच गई। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने आनन फानन में सभी घायलों को बिसंडा स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया, जहाँ से उन्हें गंभीर अवस्था में बांदा ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद पुलिस ने घायलों से पूछताछ कर 3 आरोपियों के विरुद्ध IPC धारा 307 34 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही मुख्य आरोपी सोनपाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया तथा अन्य 2 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घायलों ने बताया कि वो लोग दहिनारा के कार्यक्रम में गए हुए थे, तभी वहां मौजूद सोमपाल नामक व्यक्ति की किसी से झड़प हो गई, जिस पर उसने अपनी 2 नाली बंदूक से फायर कर दिया, जिसमें हम 5 लोग घायल हो गए। वहाँ जब हम बिसंडा गए थे निमंत्रण, वहाँ लाला जी की बहन आई थी दहिनारा के लिए। रात में प्रोग्राम था नौटंकी वाला, सब लोग नौटंकी देख रहे थे, कई लोग कुर्सियों में बैठे थे। उधर सामने एक नाली बंदूक ले बैठा था, वो भी रिश्तेदार है सोनपाल वर्मा। अचानक उसने फायर कर दिया, 5 लोग घायल हो गए। अच्छा, किसने चलाई थी गोली, कितने लोग घायल हो गए हैं इसमें? 5 लोग हैं और सोनपाल की लाइसेंस है। ये किस तरह का वहाँ कार्यक्रम चल रहा था जिस समय घटना हुई? कितने लोगों में गोली लग गई है? 5 लोग। बिसंडा थाना क्षेत्र के 4-5 मरीज कल रात में घायल अवस्था में यहाँ भर्ती कराए गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उनकी स्थिति लगभग सामान्य है।